ये देखो धीरज की नई बाइक देख ली। अब धीरज की दी है? नहीं नहीं पैर नहीं पोछेंगे भाई आपके, रहने दो, धक्का लगा के थोड़ी चलाना है आपकी बात। चलो भाई शाबाश 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 शाबाश। ओ हाँ यार तुम देख लो, मतलब यहाँ पे थोड़ा कुछ लीक भी हो रहा है, बता देना मुझे कमेंट्स में। भाई स्टार्ट नहीं हो रही क्या? ओ यार ये क्या हो रहा है? ओ यार तुम देख लो इसमें से तुम्हें आवाज भी आ रही होगी, देख रहे हो? राहुल भैया यार कांग्रेचुलेशन विश करना बनता है भाई। ब्रो भाई मैंने तो कॉल किया था। मैं पता कैसे सुन, मैं बुलवाता हूं बंदे को, बोलो यार मुझे कांग्रेचुलेशन। हां हां ऐसे ही भाई। पहले तो ये बताओ बाइक कैसी लग रही है, स्पेशली धीरज भाई की? बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी बात सरप्राइज, सीरियसली बहुत अच्छा था ब्रो। अरे वाह भाई कांग्रेचुलेशन, तुरंत कॉल आया सबका। ये प्यार है भाई, ये प्यार है। बाकी धीरज चला पा रहे बाइक को? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा चला भाई। अभी तो ये चलाएगा मतलब स्टिचेस की वजह से? अपना स्टिचेस की वजह से नहीं, थोड़ा हैंडल में दिक्कत। जैसे मैंने तुझे बताया अपने को साउथ एक्स निकलना है, तो तू चला लेगा? नहीं थोड़ा बहुत तो चला लेगा, मतलब यहाँ तक चला, क्योंकि मुझे, क्योंकि भाई डिफरेंस है मुझे बिठा के चलाने में और अकेले चलाने में, बहुत डिफरेंस है। और मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि अकेले में चल चला पा रहे हैं ना? अकेले तो चला लूंगा, इसका पैर भी थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा ना पूरा। हाँ ये तो है। ये देखो ना धीरज की नई बाइक देख ली। अब धीरज की दी है भाई, देख रहे हो KTM फुल बढ़िया भाई। मैंने देखी थी तेरी वीडियो अभी, देखी थी थोड़ी देर पहले, बढ़िया थी भाई, बढ़िया लगी। क्या 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 की हेल्थ के साथ लेता भाई। काम करियो ना, एक रस्सी भी ले लियो वो ना बांध लियो बाइक के ऊपर और अपने आप को भी बांध लियो। पता लग रहा चला रहा है 20-30-40 का स्कूटर भाई किधर। मैं कह रहा हूं भाई इनकी बच्चों की चलती रहेगी, मैं इसलिए यहां पे आऊंगी। धीरज भाई जिंदगी से रूबरू हैच पड़वा थोड़ी। धीरज तूने एक काम अच्छा किया, तो ना ये ऑरेंज लेके। अबे नहीं ब्लैक ही गलत ली इसने। नहीं यार ब्लैक सही है, ऑरेंज में थोड़ा ज्यादा है भाई। ये 80% ब्लैक है, 20% गोरा है बस। ये इनको पता नहीं है, रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हो आप। अरे आपकी है यार, चलाओ भाई। नहीं नहीं पैर नहीं पोछेंगे भाई आपके, रहने दो, धक्का लगा के थोड़ी चलाना है आपकी बात नहीं करते आपके लिए नहीं है। लेकिन सही है, ये बताओ बाइक सही है ना? भाई 390 है, एक नंबर है। मैंने सुना आप लोग पहले रेसिंग भी करते थे, तो आप लोगों को पता होगा थोड़ा। बहुत टाइम हो गया इस बात को तो। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सारे समझदार ही है अकेले। बहुत टाइम हो गया, पहले बहुत करते थे यार। चलो मम्मी मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम देख लो ये अपना लैपटॉप, सॉरी ये अपना मैकबुक, अमीरों की चीज। हाँ धीरज बाइक से उसे चलेंगे ना। मैम बाइक नहीं नहीं आई तो थोड़ा सा मन करता है ना चलाने का। ऊपर से मेरी बुलेट भी नहीं है। बुलेट जल्दी ला। हाँ अभी बुलेट में थोड़ा काम चल रहा है ना, देखो वो भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अपनी बुलेट भी जल्दी आएगी कुछ गलत हो गए, लेकिन अभी के लिए KTM पे ही सफर करेंगे। हाँ क्या राहुल भैया? राहुल भैया गाड़ी से? कौन गाड़ी से? अपनी गाड़ी से। तो तुम देख लो यार ये आ गया है खाना। मैं इस डब्बे के अंदर सारे पराठे होंगे, सब इसी में है। हाँ सब पराठे इसके अंदर ही। सब्जी सब्जी देख होंगे, ये सब्जी है, दो सब्जी और दही। तो देख लो यार ये मैंने मम्मी और पापा के लिए मंगाया, ठीक है? बाकी इसको इसको देख लो कैसे कैसे खाने के लिए हो रहा है। तो बस यार देखो अपना सामान मैंने यहाँ पे पैक कर लिया है, अब निकलते हैं फटाफट से फुल साउथ। तो यार तुम पहले एक चीज देख लो, इस बाइक में ना पेट्रोल पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है भाई? बाइक आई है ना करीब एक दिन में नहीं हुआ, धीरज भाई ने सारा पेट्रोल खत्म कर दिया है। बंदे ने फुल गेड़ी मारी है, एक बात लेकिन अच्छी बात यार। नहीं नहीं बाइक में गेड़ी कौन नहीं मारता, मतलब एक चीज तो होगी, तूने सुबह पहले उठते ही सबसे पहले बाइक निकाली होगी कि कहीं वो पिछले आपका सपना तो नहीं था। देखो तस्वीर मेरे साथ भी हुआ, ठीक है? मैं गाड़ी लेके आया अपनी, तब मैंने अगली सुबह ना उठ के सबसे पहले भक्के में गया बाहर, और मैंने बाहर जाती है ना अपनी गाड़ी चेक करी, गाड़ी है कि नहीं। जो कि सपने जब सच होते तो लगता है कि अभी भी सपने तो नहीं है, लेकिन हाँ सपने सच हो चुके हैं और ऐसे ही सारे सपने अपने को सच करने हैं। और अभी का देखो छोटा सपना मेरा ये कि पेट्रोल थोड़ा बढ़वा देते हैं तो अपन इसमें थोड़ा 500 तक का पेट्रोल तो भराएंगे, ठीक है? और पेट्रोल पंप तो ये रहा, लेकिन पेट्रोल पंप के जस्ट उस तरफ वहां पे है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, जहां पे धीरज भाई का प्रॉपर वो सीन था ना, वो जो हॉस्पिटल गया था, ये रहा वो हॉस्पिटल जहां पे धीरज भाई गया था फुल फुल गलत करने। यहाँ भाई कुछ दिक्कत तो नहीं आई थी ना बाइक में? लेकिन तू मुझे कह रहा था कि एक छोटी आवाज सी थी, शायद तुझे ऐसे लगा। अच्छा मतलब एक कुछ आवाज आ रही थी। तो देखो बाकी तो यार जब मैं लेके आया था मैंने तुम्हें बताया था कि यार मतलब जो ये ब्रेक का था ना, ब्रेक का थोड़ा मुझे कमजोर लगा। तुझे ब्रेक कैसे लगे? चलो कोई नहीं, वो तो पाजी कर देंगे, ब्रेक का तो अलग मैटर है, लेकिन यार जो आवाज आ रही है ना वो इसने मुझे पहले ही बताया था, वो मुझे थोड़ा अलग लगा कि यार आवाज नहीं आनी चाहिए ऐसे। ऑन करने के बाद भी आ रहा था। चलो भाई शाबाश 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 शाबाश।
यार मैं एक चीज देखता हूँ, मतलब पेट्रोल भरवाने के बाद ना इसको तो पावर मिलती है बाइक को, लेकिन एक अपने को भी ना अलग से पावर मिलती है कि हाँ अब वो अपनी बाइक फुल चला सकते हैं, वो फुल खेच मार सकते हैं। देखो मतलब यहाँ पे ना आयरनी आती है क्या, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि भाई तुम लोग बाइक थोड़ा आराम चलाया करो, मैं कभी कभी खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल चला दो, लेकिन नहीं देखो अपना मुझे पता है, तुम लोगों को अपना पता हमसे, इसलिए मैं हर वीडियो में एक ना एक टोचन तुम्हें देता हूँ कि यार बाइक अगर चला रहे हो तो सेफ्टी चलाओ, अगर तेज चला रहे हो तो सबसे ज्यादा सेफ्टी होनी चाहिए यार। जल्दी अपन अपनी बुलेट का भी तुम्हें रैप रिवील करके बताएंगे कौन सा रैप अपन करवा रहे हो, तुम जानते हो एज ऑलवेज मास्टर बिल्डर की बुलेट है तो कुछ ना कुछ फुल ग्रिप तो होना ही चाहिए ना। बाकी मैं एक चीज देख रहा हूँ, तुम देख लो ऊपर जो अपना मून है, मून काफी ज्यादा अलग हो रखा है आज, देख रहे हो मतलब फुल रेड मून है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, लोग बोलते हैं जैसे कुछ भी अगर सीन हुआ हो ठीक है, लोग बोलते हैं क्या बात है इसमें यार, बात थोड़ी ना हुई क्या सीन है, ये होना चाहिए ना क्या सीन है, लोग बोलते हैं क्या बात है क्या बात, मतलब मैं खुद ये बोलता हूँ, मैं खुद सोचता भी हूँ कि मैं क्या बात है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या सीन है क्या बाइक है क्या खेच है, ये होना चाहिए ना। और हाँ एक चीज तो है, जैसे धीरज ने मुझे बोला कि यार भाई बाइक में से ना थोड़ी बहुत जो सीसीटीवी बूस्ट जो आवाज आ रही है ना वो नहीं आनी चाहिए यार, क्योंकि पाजी ने मुझे पहले बोला था कि भाई बाइक एकदम टच कंडीशन में है, अब टच कंडीशन की बाइक में सी चैप कुछ आवाज नहीं होनी चाहिए। तो वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, देखो जसमीत पाजी जिनसे मैंने ये बाइक ली है उनकी जो मतलब शॉप है वैसे वो तो यार शॉप एक नंबर, उधर तो मतलब ऐसा कुछ भी गलत काम होता नहीं है, लेकिन तुम लोग जानते हो करोल बाग में कितने सारे ऐसे दो नंबरी लोग भी है जो की बहुत गलत तरीके से बाइकों में मतलब छेड़छाड़ करके बेचते हैं। तो आई होप पाजी तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यार ये आवाज और ब्रेक ब्रेक का थोड़ा सा मतलब मुझे हल्का सा दुख हुआ, लेकिन यार सच में ठंड भाई ठंड ठंड दिल्ली की ठंड पकड़ लो मेरा गरम गरम, हाँ सच में इतना ज्यादा ठंड हो रहा है ना भाई, मतलब मुझे आसपास में ये फॉग नजर आ रही है। देखो अभी धीरज पता है प्रीमियर वाली बात कर रहा है, जो मेरी वो वीडियो थी ना टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय दिस बाइक, तो उस वाली वीडियो को मैंने प्रीमियर किया है, तुम लोगों को तो पता ही है। तो जब मैंने धीरज को रहा, धीरज काफी ज्यादा शौक हो गया कि भाई एकदम फुल की यार प्रीमियर हो, क्योंकि प्रीमियर मैंने इससे पहले एक बार मैंने ऐसे यू ही किया होगा, लेकिन ऐसे मतलब मन से प्रीमियर मैं पहली बार कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स 1 मिलियन हुए थे, अपनी बाइक की डिलीवरी थी और प्रीमियर पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, धीरज खुश भी है, ऊपर से कमेंट्स हो तुम लोगों के कमेंट्स यार मतलब सच में अगर दिन बेकार भी है ना तुम लोग कमेंट्स दिन अच्छा कर देते हैं यार, तुम सच में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मतलब लिटरली यार तुम लोग ही हो यार तो हमें नहीं। लेकिन एक चीज तो है यार, अगर रात में हम बुलेट में ऐसे गेड़ी मारे उसमें डिफरेंस है और इसकी गेड़ी में डिफरेंस है, और तगड़ा सा होगा जब तू भी निकालेगा मैं भी दूंगा। हाँ ये तो है, अच्छा सा बन जाएगा तगड़ा व्लॉग। हाँ तो यार तुम देखो यहाँ पे ये रही है अपनी बाइक और इसमें ना एक दिक्कत सी आ रही है, धीरज क्या दिक्कत आ रही है भाई? हीट हो रही है। हीट। अच्छा हीट हो रही है, मतलब स्मेल भी आ रही है थोड़ी बहुत चलने की। अच्छा जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं चल जाता। हाँ हाँ चलने की स्मेल आ रही है। मतलब तुम देख लो अभी अपन वहाँ से ना चला के अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आए और जस्ट अपन साउथ एक्स के इधर ही आ गए हैं, और मतलब अपनी गाड़ी में से ना अपने को थोड़ी चलने की बदबू और थोड़ी हीट भी हो गई है, अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि यार देखो उस वक्त ना थोड़ी आवाज भी आ रही थी, मतलब वो कुछ आवाज जो बता रहा एक टोन सी आई थी। अच्छा वो दोबारा से आई इस बार, थोड़ी सी आई थी। ओ हाँ यार तुम देख लो मतलब यहाँ पे थोड़ा कुछ लीक भी हो रहा है, बता देना मुझे कमेंट्स में ये क्या लीक हो रहा है यार, या ये पेट्रोल है या इंजन ऑयल है कुछ भी है मुझे बता दो, क्योंकि हमें तो पता नहीं यार उतना, बाइक ने यार साथ तो अच्छे से दिया, बस वो ये थोड़ा जो ये आवाज और वो स्मेल आ रही है ना। हाँ। वो थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि ना आप थोड़ा मुझे पाजी को ही फोन करना पड़ेगा कि पाजी ऐसा क्या मतलब क्या सीन हो गया है, क्योंकि यार पाजी ने अपने को पहले ही कहा था कि कुछ भी दिक्कत हो अगर इंजन में भी है तो 3 महीने की वारंटी है इंजन की, और अगर इंजन के अलावा भी तब भी पाजी आराम से ठीक करवा देंगे, लेकिन स्मेल और ये सब ना थोड़ा मतलब थोड़ा मुझे भी फील हो रहा है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन कोई नहीं। अब देखो अच्छी बात ये कि अपन साउथ एक्स के जस्ट पास ही पहुंच गए, अपने उस तरफ साउथ एक्स का मेट्रो स्टेशन भी है। तो यार तुम देखो अभी जस्ट अपन साउथ एक्स आ गए, भाई स्टार्ट नहीं हो रही क्या? ओ यार ये क्या हो रहा है भाई, अभी इससे पहले ना थोड़ी स्मेल भी आ रही थी और कुछ आवाज से भी होती थी, पता नहीं क्या हीट वीट हो गई थी गाड़ी में, कुछ ना लीक भी हो रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना ये चीज कुछ लीक भी हो रही है जिसकी वजह से वो कुछ जलने का मतलब दे रहा है। चलो चलो ठीक है, चलो एट लास्ट जाके स्टार्ट तो हो गई है ना भाई, रावत दिक्कत आ रही जिसमें यार आवाज आ रही है। ओ यार तुम देख लो इसमें से तुम्हें आवाज भी आ रही होगी, देख रहे हो आवाज आ रही है, अब आ रही है भाई, चालू हो गया तो आवाज तो आएगी। बस ध्यान से भाई ध्यान से सुन। हाँ 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 ये एयर पाइप ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ कुछ तेरे को पता लग रहा है इसका मतलब? आवाज तो आ रही है, ये ऑयल का पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है, इसको एक बार दिखा दियो सर्विस करा दियो। बाकी भाई रावल लेकिन थोड़ा आराम चलाओ यार, तू देख रहा है ना हाल कैसी हो गई इसकी, क्योंकि अगर मैं भाई चलाऊं फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बैठो रहा कोई तो बैठो, अकेले चलाना।
ये भगाएगा भाई आगे जाके देखना, ये हमारे रेडार से जाएगा ना दूर, ये फिर भगाएगा। अगर तुम ध्यान से सुनो आवाज एक अभी भी आ रही है इसमें, पता नहीं क्या हो गया, जैसा इंजन सा चल रहा है अलग सा। हाँ कुछ लग रहा है यार दिक्कत तो भाई, तेरा एक्सपीरियंस चलने के साथ बहुत खराब है, तू आराम से। अच्छा ऐसा भी है क्या भाई, याद नहीं है क्या? अच्छा है ना इस गाड़ी में आ गया भाई, तुझे याद नहीं है क्या? याद आ गया मुझे, स्कूटर याद आ गया, याद आ गया। हाँ यार वैसे एक चीज अच्छी याद लाई कि भाई इसका यार सबसे जलने से अलग मैटर है इसका, कुछ अलग ही प्यार है इसको। एक्सप्रेशन अलग ही लग रहा है KTM है ब्रो। और एक चीज देखो मतलब ये होती है प्रॉपर दोस्तों की महफिल, ठीक है, मतलब KTM भी चल रही है अपनी गाड़ी भाई की, ये भी चल रही है, गलत था। तू तो देख राहुल भाई क्या यार, राहुल भाई ने KTM ठोक दी पीछे, राहुल भाई नशे में कि वो बंदा नशे में। बाइक वाले को देख रहा मेरे से नहीं गया होगा भाई, बड़ी गंदी आवाज आई है। लो भाई पीछे लो, लो 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 पीछे लो, पीछे लो पीछे लो, भाई बच गई ना आवाज बड़ी तो आई थी, वो तो अपने बंदे हैं, कोई और होता तो यही पिटते हैं। दे चिंगारी ना तेरा भाई कह रहा गहरो सीन है, सीन गेड़ा गेड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है, ए सीन गेड़ा गेड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है, सीन गेड़ा गेड़ा सीन है, सीन है सीन है।